नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और हमारे खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2024 का फाइनल मुकाबला आज चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच की शुरुआत शाम 7:30 बजे होगी और आपको बता दें कि केकेआर ने क्वालिफायर वन मैच में हैदराबाद को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था, जबकि पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद ने क्वालिफायर दो में राजस्थान रॉयल्स को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। गौरतलब है कि इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में 73 मैचों के बाद आज ग्रैंड फिनाले है। एसआरएच टीम की कप्तानी पैट कमिंस तो केकेआर की कमान श्रेयस अय्यर के हाथों में है। केकेआर की टीम दो बार खिताब जीत चुकी है तो वहीं हैदराबाद की टीम एक बार खिताब जीतने में सफल रही। दोनों टीमों ने इस सीजन शानदार परफॉर्मेंस किया, ऐसे में मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, लेकिन सवाल किसकी जीत की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। और आइए आज के मुकाबले से जुड़े हुए कुछ इंपोर्टेंट ग्राफिक्स के माध्यम से डिटेल। कोलकाता और हैदराबाद के बीच आज मुकाबला खेला जाएगा। आज शाम 7:30 बजे चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम चेपॉक में होगा महामुकाबला। कोलकाता ने 9 जीत के साथ प्लेऑफ में अपना कदम रखा था। इसी तरह से देखा जाए केकेआर ने एसआरएच के खिलाफ जीता था सीजन का पहला मैच। इस सीजन 2 मैच हुए दोनों टीमों के बीच, दोनों केकेआर जीती। केकेआर का आईपीएल में एसआरएच के खिलाफ जो पलड़ा है बहुत भारी है। दोनों टीमों ने आपस में कुल 27 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से कोलकाता 18 मैच जीती है। दूसरी तरफ हैदराबाद की टीम सिर्फ 9 मुकाबले ही अपने नाम कर पाई। केकेआर ने एसआरएच के खिलाफ 8 मैचों में से जीते हैं पिछले 6 मुकाबले। केकेआर ने आखिरी खिताबी मुकाबला 2021 में जीता था। तो आईपीएल 2024 का फाइनल मुकाबला कौन जीतेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। फैंस तो अपनी तरफ से अपनी अपनी मांग कर रहे हैं और कौन जीतेगा वो भी बता रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स क्या कुछ कहते हैं और किस टीम की जीत की संभावना ज्यादा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान अश्विनी सूद जी जुड़ गए हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट कोच। आपका बहुत स्वागत है अश्विनी सूद जी जनता टीवी की इस खास पेशकश में। आज का जो मुकाबला है इसको आप कितना रोमांचक मांग रहे देख रहे हैं और जिस तरह से पूरा सीजन रहा है आईपीएल 2024 का ये, और उसमें केकेआर का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी नजर आ रहा है एसआरएच पर, लेकिन एसआरएच की परफॉर्मेंस को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन सभी चीजों को देखकर आज का मुकाबला किस तरह से देखते हैं आप? जी गौतम जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? अश्विनी जी आपकी आवाज आ रही है, बात रखें। जी, पहले तो धन्यवाद जनता टीवी का, और आप टाइम टू टाइम ऐसी चीजें पूरी निचोड़ निकाल के आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और दर्शकों को इस मामले में काफी रूबरू भी कराते हैं। जहां तक आज के मैच का सवाल है, इसमें तो ये कहूंगा कि ये पूरा सीजन ही 2024 का जो टूर्नामेंट रहा है काफी दिलचस्प रहा है जी, और बहुत से ऐसे प्लेयर निकल के आए हैं जो कि हमारी उम्मीदों से भी बाहर है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस टाइप के जो टूर्नामेंट होते हैं, नॉट ओनली क्रिकेट, मैं कह रहा हूं हर एक गेम में, अगर हमें पूरे स्पोर्ट्स को और आगे लेके आना है तो हमें इस टाइप के सारे टूर्नामेंट्स खेलते रहना चाहिए जी। तो जो आईपीएल ने क्रिकेट में ऐसी धूम मचाई है, ऐसे ऐसे प्लेयर्स निकाले हैं कि अब सेलेक्टर्स को बहुत मुश्किल होता जा रहा है कि किसको चूज किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी एक फौज तैयार हो गई है हमारे पास क्रिकेट टीम में। तो अब ये सिलेक्टर्स को ढूंढना पड़ता है भाई किसको बैठाया जाए बाहर। तो जहां तक आज के मैच का सवाल है, केकेआर और हैदराबाद का, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक कागजों में केकेआर काफी स्ट्रांग लगती है और है भी जी। और हैदराबाद को कम आंकना इस टूर्नामेंट में गलती होगी, ओवर कॉन्फिडेंस होने की जरूरत नहीं है, और दोनों टीमें बहुत अपने अपने जगह पे काफी स्ट्रांग नजर आ रही है और बड़ा दिलचस्प मैच होने वाला है। अगर ये हम कहें कि भाई केकेआर जीतेगी या हैदराबाद जीतेगी, ये कहना गलत होगा। आज जो बैटर करेगा, जो अपने संयम को काबू रखेगा, जो बेटर फील्डिंग एंड बॉलिंग एंड बैटिंग में अपना श्रेष्ठ देगा, वो टीम जीतेगी जी जी।
अश्विनी जी आप कह रहे हैं कागजों में भले ही केकेआर मजबूत नजर आ रही, 27 मुकाबलों में 18 जीती है केकेआर, महज 9 जीती है एसआरएच, लेकिन उसके बावजूद भी किसी मैच को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, और उसका कारण है जिस तरह की परफॉर्मेंस एसआरएच ने दिखाई है वो बहुत ज्यादा तारीफ के काबिल है। जिस तरह से एक के बाद एक बड़े स्कोर एसआरएच के खिलाड़ियों ने बनाए उसने सभी को हैरान कर रख दिया। सबसे पहले एसआरएच की बात करते हैं, बैटिंग ऑर्डर जिस तरह का एसआरएच का रहा है वो जबरदस्त था, लेकिन पिछले कुछ मुकाबलों में मैचों में उसको थोड़ा हार का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ा है। अश्विनी जी गौतम जी क्या होता है, क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसमें एक मैच के बाद जो अगला मैच होता है तो कपड़ों की तरह पिछले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको उतार के आना पड़ता है। बिल्कुल, एक अच्छे बैट्समैन एक अच्छे प्लेयर की निशानी है कि कल क्या हुआ था उसको भूल जाए, अच्छा हुआ बुरा हुआ उसको साइड में रखना पड़ता है। हाँ, एक स्कोर एक जो पेपर्स वर्क जो कागज है वो मजबूत है तो वो मजबूती दिखाते रहते हैं और बताते भी रहते हैं। हमें याद करना चाहिए 1983 का वर्ल्ड कप जब कपिल ने जीता था तो वेस्ट इंडीज की टीम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग थी, और सच्चाई तो ये है कि एक एट दैट टाइम मुझे भूलना नहीं चाहिए, हमें सबको याद रखना चाहिए कि इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराया तो सही और वर्ल्ड कप जीत के भी दो बार हराया वेस्ट इंडीज को, लेकिन अगर इसमें भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि वेस्ट इंडीज ओवर कॉन्फिडेंट हो गई। दूसरी बात, अब जो टूर्नामेंट रहा है आईपीएल ले लो, 2020 ले लो, 50-50 ले लो, ओवर्स का मैच जो है ये सारा मैच ऑलराउंडर्स के मैच रहेंगे। अब मत सोच के चलिए कि मैं एक अच्छा बॉलर हूं मैं एक अच्छा बैट्समैन हूं तो फर्क पड़ता है, नहीं बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता। सबसे बड़ी बात है अगर एक बैट्समैन नहीं चला तो दूसरा आना चाहिए, मींस अगर बैट्समैन ने अपना स्कोर नहीं दे पाया तो उसको फील्डिंग में रन बचाना भी एक स्कोर बनाने के बराबर है, ये क्रिकेट में नहीं भूलना चाहिए। एंड रनिंग बिटवीन द विकेट ये भी बहुत 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 बड़ा पार्ट अदा करती है अगर हमारी क्रिकेट की लैंग्वेज में। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, क्रिकेट एक गेम ऐसी है जिसमें एक बैट्समैन को सिर्फ एक चांस मिलता है जी, मे बी वो किसी की गलती हो और अगर अपोजिट साइड पे खड़ा है वो बैट्समैन ने हिट किया बॉलर ने हाथ लगाया रन आउट हो गया उस है। जी अश्विनी जी बात रखें, आपकी आवाज आ रही है। जी जी, जो भी और गेम्स होती हैं उसमें फिर भी प्लेयर्स को चांस मिलता है जी, लेकिन क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसमें सिर्फ एक चांस मिलता है जी। बिल्कुल, और अश्विनी जी आज जैसे मुकाबले में तो उसका चलना बहुत जरूरी है उस टीम के नजरिए से। बहरहाल बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अश्विनी जी सोशल मीडिया पर एक तरह से बाढ़ आ रखी है लोगों की राय की, लोग अपनी अपनी तरफ से राय भेज रहे हैं इस मुकाबले को लेकर। लोगों का एक नजरिया यह है भाई पैट कमिंस एसआरएच के कप्तान हैं, पैट कमिंस ने वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को हराया और जिस तरह से हराया वो सभी के सामने है। अब लोग कह रहे हैं कि भाई गौतम गंभीर जो केकेआर के मेंटर हैं, जो केकेआर जिनके नेतृत्व में खेल रही है, ये मौका मिल गया है एक तरह से भारतीय फैंस को कि पैट कमिंस की टीम को हराया जाए, एसआरएच को हराया जाए और वो जो बदला था उसको एक तरह से लिया जाए। सोशल मीडिया पर आ रही इस बाढ़ को लेकर लोगों की जो राय है वो तो सभी के सामने, आपकी क्या राय है रितेश जी? जी, पेशेंस सबसे बड़ा हथियार होता है, ये गुस्सा ये सारी चीजें एक अच्छे प्लेयर को, बाहर वाले क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन उन चीजों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको साइड में रख के चलता है। और हाँ, सबसे बड़ा जो पार्ट अदा होता है जो वहां पब्लिक जो बैठी है जो हूटिंग होती है वो एक जिसको कहते हैं ना मुर्दे में भी जान डाल देती है, अच्छे से वो जो प्लेयर जो फील्डिंग कर रहा है उसमें डबल दमखम डाल देती है। और दूसरी बात, अगर एक बॉलर को एक विकेट मिल जाती है एक तरह का उसका जिसको कहते हैं ना मुगली गुट्टी मिल गई, एक विकेट मिलने से कितना फर्क पड़ता है, एक विकेट आउट होने से बैट्समैन को कितना फर्क पड़ता है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक है, जो पब्लिक का नजरिया है वो उस नजरिए से देखना उनका राय है, उनकी उनकी अपनी सोच है, लेकिन हैदराबाद ने इसमें नहीं भूलना चाहिए। देखिए जो स्कोर जो बैटिंग का मापदंड हैदराबाद ने इस टूर्नामेंट में दिखाया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और पिछले मैच में जो देखा उन्होंने बॉलिंग में भी बहुत अच्छा किया, बॉलिंग के जरिए ही पिछले मुकाबले में उनकी वापसी हुई है, वो जिस तरह से चले हैं तमाम प्लेयर्स उसमें बॉलिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। अश्विनी जी आप बने रहिए हमारे साथ, और हमारे साथ इस बीच
जान मोहम्मद जी जुड़ गए हैं, पूर्व क्रिकेटर जान मोहम्मद जी, आपका भी स्वागत है जनता टीवी पर। आज बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है, आज शाम 7:30 बजे चेपॉक में होगा आईपीएल 2024 का फाइनल मुकाबला। जान मोहम्मद जी, आपको क्या लगता है आज के मुकाबले को लेकर, कौन सी टीम 20 पड़ रही है और कौन सी टीम अभी 19 है? ये तो 20 सनराइजर्स हैदराबाद है जी, इस दूसरी टीम है, बहुत अच्छा खेले सारे टॉर्नामेंट, कोलकाता सनराइजर्स पर भी थोड़ा सा नीचे है पड़ा, थोड़ा मुझे सनराइजर हैदराबाद का मुझे पता। लेकिन जान मोहम्मद जी, ठीक है जी, आप ही कह रहे हैं ईशान मोहम्मद जी कि एसआरएच का पलड़ा जो है वो उसमें भारी नजर आ रहा है, और लेकिन अभी इस सीजन की बात करें, दो मुकाबले खेले गए दोनों टीमों के बीच, उसमें दोनों मैचों में केकेआर जीती है, ऐसे में केकेआर का जो मानसिक संतुलन है या फिर जिसे कहें कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं ज्यादा होगा एसआरएच के मुकाबले। नहीं, मानसिक संतुलन मुझे, मैं हैदराबाद के थोड़ा सा ज्यादा हूं, कोलकाता नाइट राइडर्स का थोड़ा सा और मुझे बहुत ही कम लग रहा है। मतलब ये है कि जो रहेगा मुकाबला बिल्कुल 50-50 रहेगा, मतलब जो टीम अच्छा खेलेगी वो अपना मैच बचा के ले जाएगी। बिल्कुल जिशान जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अश्विनी जी, एसआरएच का पलड़ा भारी लग रहा है जिशान जी के अनुसार और केकेआर इसमें 19 पड़ रही है, आपका क्या मानना है, 19-20 कोई है या फिर दोनों टीमें 20 हैं यहाँ पे? गौतम जी, क्या है कि जो दो तीन टूर्नामेंट हुए, दो तीन जो मैचेस हुए हैं, हैदराबाद ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोर किया है जो कि बिल्कुल हटके था। सबसे बड़ी बात है, डिपेंड है पहले 10 ओवर क्या, मैं तो ये कहूंगा पिछले पहले 6 ओवर बहुत बड़ा पार्ट अदा करेंगे, चाहे कोई भी टीम बैटिंग करे। हैदराबाद का जो मेन जो जिसको कहते हैं ना जो पावर है, वो पहले 6-7 ओवर की मैच है उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा स्कोर करके दिखाया है। केकेआर एक बैलेंस्ड टीम है, केकेआर बैलेंस्ड टीम है, मैं ये कहना चाहूंगा उनकी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों चीजों में बहुत संतुलन है। अगर हैदराबाद को देखा जाए, पिछले अगर मैच को छोड़ा जाए तो उनकी बॉलिंग लाइन कंपेयर टू केकेआर थोड़ी सी कमजोर है, बैटिंग लाइन हैदराबाद की स्ट्रांग नजर आती है, लेकिन सारा मैच पहले 5-7 ओवर के ऊपर डिपेंड है। नो डाउट कि जो पिछला रिकॉर्ड है वो केकेआर की फेवर में ज्यादा है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए ये आईपीएल है, ये 20-20 ओवर का मैच है, 20-20 ओवर में अगर एक बैट्समैन पूरा जिसको कहते हैं ना कुंबे को बदल देता है, पूरे टूर्नामेंट को बदलने की हिम्मत रखता है सिर्फ एक प्लेयर, बात है कि दिन और चलता है कौन है आज, ये मेन बात है। बिल्कुल अश्विनी जी, आप कह रहे हैं कि शुरुआत मिलना बहुत जरूरी है, ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। जिशान जी, आपको क्या लगता है कि टॉस कितना बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो इस तरफ इशारा करते हैं भाई चेस करने वाली टीम, जो टीम टॉस जीत रही है उसकी जीतने की संभावनाएं भी ज्यादा नजर आती हैं और इस तरह के स्टैटिस्टिक्स आंकड़े कहते हैं। आज के मुकाबले को लेकर आपका क्या लगता है, टॉस जीतने वाली टीम किस तरफ बढ़ेगी, जिस तरह से नजर आता है बॉलिंग की तरफ या फिर बैटिंग चूज की जा सकती है, और क्या कुछ स्कोर आप देख रहे हैं आज के मुकाबले में चेपॉक की मैदान पर? टॉस जीतने वाली टीम ऑलवेज हमेशा वो चेस करेगी, फील्डिंग करेगी और उन्हें टारगेट का पता चल जाएगा। जैसे कोलकाता मैदान मालूम है हैदराबाद को, क्या कुछ टीम बहुत अच्छी है, तो ये सारा टॉस पे डिपेंड है। और क्या है सबसे बड़ा जो फैक्टर है, वो दिन में अगर मैच चल रहा है तो व्हाइट बॉल में बहुत एडवांटेज है उसको, रात में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। एक तो चेन्नई में थोड़ी सी समुंदर है, समुंदर के साथ हवाएं चलती है बहुत तेज, तो उसमें बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोबारा चेस करना, तो कोई भी टीम हो, कोलकाता हो या हैदराबाद हो। जिशान जी, एसआरएच के बल्लेबाज बड़ा शानदार परफॉर्मेंस करते नजर आए इस पूरे टूर्नामेंट में, जिस तरह से स्कोर बनाया सभी लोग देखकर हैरान रह गए, लेकिन आज के मुकाबले को लेकर आपका क्या मानना है, किस क्या कुछ रणनीति के तहत उतरेगी टीम आज, और जिस तरह से पिछले टूर्नामेंट में जो टीम आखिरी स्थान पर थी वो इस टूर्नामेंट में दूसरे स्थान पर आई, इसको आप किस तरह से देखते हैं, इस जो सोच है वो किस तरह से बदली एसआरएच की इस टूर्नामेंट में? देखिए, इसमें दोनों अभिनव शर्मा और ट्रेवर हेड से सारा डिपेंड है। अगर 6 ओवर में इन्होंने 80-90 रन बना लिए तो ये कम से कम 230-240 के पार जाएंगे। अगर इनका शुरू में अगर इनका संतुलन बिगड़ जाता है तो अगर दोनों बैट्समैन अगर फेल होते हैं तो इनका स्कोर ज्यादा से ज्यादा 160-170 पहुंचेगा जी। एक और सवाल उसके बाद में अश्विनी जी के पास जाऊं,
जिशान जी, देखा गया कि 200 रन का जो टारगेट है फाइनल मुकाबले में आज तक कभी भी अचीव नहीं किया जा सका है। जिस तरह से एसआरएच ने एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़े इस टूर्नामेंट में, आपको लगता है क्या अगर एसआरएच को मौका मिलता है पहले बल्लेबाजी का तो वो 200 तक पहुंचना चाहेगी, 200 से ऊपर निकलना चाहेगी? जी जिशान जी, आपकी आवाज जी, जी। अच्छा, उनके सामने अगर टारगेट है का भी है तो वो चेस कर सकते हैं जी। और वो दूसरी बात है, अगर 140-50-70 हो गया तो बस पहली मैच जी, अश्विनी जी, हाई स्कोरिंग मैच लग रहा है आपको या फिर रह सकता है? चूंकि बड़े बड़े मुकाबले हमने देखे हैं कि लो स्कोरिंग बन जाते हैं और उसमें बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर नजर आती है। आज के मुकाबले को लेकर आपका अनुमान क्या है, हाई स्कोरिंग या फिर लो स्कोरिंग भी रह सकता है? सबसे बड़ी बात है, हैदराबाद वालों ने पिछले जो रिकॉर्ड बनाए हैं, जो पीछे स्कोर एक उनके पास टारगेट है, एक उनको किस स्कोर तक पहुंचे है ना, वो एक स्टंप की तरह उनके लग चुकी है कि हम इतना बनाया है हमने स्कोर, तो ये बड़ी बात है। और दूसरी बात, उनको जो हमने इनके टूर्नामेंट में इसमें देखी है, जो स्पेशली हैदराबाद वालों में देखा है, वो आके ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं। वो जो बैटिंग जो स्टार्टिंग में मैंने पहले ही कहा कि 5-6 ओवर का जो मैच वो दिशा बदलेगा, वो बहुत बड़ी बात है। और मुझे तो स्कोर हाई स्कोर लग रहा है, और 200 तो मिनिमम है ही है। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 200 तो है ही। और ये बड़ा टफ के साथ साथ बड़ा, मतलब कि जिसको कहते हैं ना, बहुत सुंदर मैच, देखने वालों को मजा आएगा, काफी मजा एंजॉय होने वाला मैच है, रोमांचक मैच है जी। और जिशान जी, इस पूरे मामले में देखा जाए, जिस तरह से मुकाबला चल रहा है और पिछले 2-3 मैच लीग मैच के बाद जिस तरह से केकेआर ने पहले मैच में जीत हासिल कर और उसके बाद फाइनल में जगह पक्की की, लगातार केकेआर की टीम जीतती नजर आई है, महज 3 मैच वो हारी है। आप क्या कुछ मानते हैं केकेआर की जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह से बदली है, और खास तौर पर गौतम गंभीर के टीम के साथ जुड़ने से कितना मनोबल बढ़ा है कोलकाता नाइट राइडर्स का? जिशान जी, देखिए, अब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ये वर्ल्ड कप 2020 जो हुआ था, ऑस्ट्रेलिया को सबने अंडरडॉग करा हुआ था, क्योंकि उनको 2 मैच हार गए थे। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको कि वो, अब देखिए फाइनल में क्या हुआ, भाई इंडिया जीतेगी, अब वो उल्टा पड़ गया सारा का सारा। और इसमें भी सेम यही है, अगर जैसे अगर ये 14 मैच से अगर ये 12 मैच जीते हैं कोलकाता वाले, तो कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि हैदराबाद में दे जाए इसको इस टूर्नामेंट। इसके पीछे कारण आप क्या, जिशान जी, आप कारण क्या समझते हैं जी? इसके पीछे आप कारण क्या मानते हैं, बल्लेबाजी, गेंदबाजी या फिर जिस तरह का प्रेशर एक बड़े मुकाबलों में होता है वो? इसके पीछे एसआरएच आपको लग रहा है कि जीत सकती है इस मुकाबले को, इसके पीछे आप कारण क्या मानते हैं और किस तरह से रणनीति रह सकती है एसआरएच की आज? कारण यह है कि इसमें टीम स्पिरिट बहुत है, इसमें मतलब इसमें एकता मिलजुल के बिल्कुल सारे चल रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स का यह है कि उसमें अगर अभी आप देखो, आप एक मैं बताता हूँ, आप लोग रिंकू सिंह को आपने बहुत चर्चा था, उसकी पूरे टूर्नामेंट में उसकी बैटिंग लिया है, उसको तो एक दो ओवर जुड़े रहिए, उसको तो हाथ खोलने का मौका ही नहीं मिला। ऊपर के कितने उनके 2-3-4 विकेट गिरते थे, अब ज्यादा डिपेंड जो जिसको जिसको इन्होंने पैसा दिया सब कुछ दिया और उसको बैटिंग नहीं आ रही। मुझे मैं अच्छे रहूंगा फिर ये, मैं ये कहूंगा कि मुझे हैदराबाद की टीम मुझे संतुलन वाली टीम लग रही है। ठीक है अश्विनी जी, जिशान जी का तो भाई खुलकर मानना है कि सनराइजर्स हैदराबाद के चांसेस ज्यादा हैं, जीत भी सकती है, ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रही है। केकेआर का भी परफॉर्मेंस इतना बुरा रहा नहीं है और खास तौर पर गौतम गंभीर के नेतृत्व में टीम जिस तरह से मैदान पर आई है उसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। गौतम गंभीर कनेक्शन इस पूरी टीम के साथ, वापसी के बाद पॉलिटिक्स से वापस वो आए क्रिकेट पर, इस जुड़ाव को और इससे कितना फायदा केकेआर को आज के मुकाबले में मिलेगा? गौतम जी, ये जो आज का मैच है ये अग्रेसिव टीम और पेशेंस वाली टीम में का मैच है। मैं जहां तक मैं केकेआर के साथ हूं, केकेआर एक संतुलित टीम है, एक बैलेंस्ड टीम है, वो जल्दबाजी करने वाली टीम नहीं है। वो जिसको कहते हैं ना, माहौल को, एनवायरमेंट को देख के चलने वाली टीम है। जहां उन्होंने फास्ट खेलना है तो उसको फास्ट खेलना पड़ेगा, लेकिन जहां तक हैदराबाद का सवाल है, ये अग्रेसिव है। जो अगर इनका अग्रेशन चल जाता है, पहले 5-6 ओवर में इनका अग्रेशन नजर आ जाएगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मैं आपको
आज का मैच का टॉस जो है ना बहुत बड़ा पार्ट अदा करेगा, ये मैं बताना चाहूंगा। हैदराबाद का जहां तक सवाल है, इसमें एक बैटिंग लाइन में बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, अगर एक दो आउट प्लेयर हो भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और 2020 मैच में मैं फिर कहना चाहूंगा दो तीन विकेट गिर जाती है तो कोई फर्क नहीं है। सबसे बड़ी बात है एंड तक स्कोर को चेंज करने की काबिलियत रखने वाले होना चाहिए। और गौतम गंभीर ने केकेआर अपनी टीम में ये बैलेंस को बनाया है, बैटिंग फील्डिंग बॉलिंग तीनों चीजों में स्ट्रांग है। हैदराबाद सिर्फ बैटिंग में स्ट्रांग नजर ज्यादा है, मीन्स ऐसा नहीं कि बाकी चीजों में कमजोर है लेकिन बैटिंग में ज्यादा स्ट्रांग है। केकेआर का सबसे बड़ा पार्ट अदा क्या है कि अगर केकेआर फील्डिंग में और अच्छा कर गई आज के मैच में तो पलड़ा केकेआर की तरफ हो जाएगा। सारा डिपेंड है कि उनको पहले 5-7 ओवर में क्या देखते हैं, क्या करने को मिलती है, वो बड़ी बात है इस मैच में। अदरवाइज दोनों का मैच 50-50 के उसमें है। निश्चित रूप से अश्विनी जी, कौन जीतेगा ये तो कोई प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता, लेकिन एक और सवाल है अश्विनी जी आपसे मेरा। जिस तरह से मिचेल स्टार्क की वापसी पिछले मुकाबले में हुई, शानदार उन्होंने बॉलिंग की और कई विकेट निकालकर टीम को फाइनल में जगह बनाई, यानी कुछ प्लेयर्स जो जिसान जी ने कहा कि चूंकि केकेआर लगातार जीतती रही, शुरुआती बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से खेल खेला, उनको उस तरह से मौका नहीं मिल पाया, उन्होंने नाम लिया रिंकू सिंह का, आप किस तरह से देखते हैं इस वाले फैक्टर को, और साथ ही साथ जिस तरह से केकेआर में बॉलर्स की वापसी खासतौर पर मिचेल स्टार्क की हुई, उसको आप किस अंदाज में देख रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैंने तो पहले ही कह के चल रहा हूं कि केकेआर की टीम थोड़ी बैलेंस लग रही है, जिसमें बॉलिंग का, बैटिंग का, फील्डिंग का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आपने इस टूर्नामेंट में पूरे में अगर हम लोग देख के चले, कुछ मीडियम पेसर को छोड़ के स्पिनर्स का दबदबा ज्यादा रहा है, और ये जो स्टेडियम है थोड़ा स्पिनर्स को मुझे लगता है ज्यादा जी स्पिनर्स आज के मैच में ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि स्पिनर्स को मारना आज के, आप जिस हिसाब से जो नई ब्रिगेड निकल रही है, अब वो पहले वाला क्रिकेट नहीं रहा कि कॉपीराइट बैट्समैन होते थे, अब तो 360 डिग्री पे जो है बैटिंग हो रही है। स्कोर आ लाना चाहिए, कैसे आ रहा है कैसे नहीं आना चाहिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारे टाइम पे ये देखते थे कि यार ये मींस बॉल की लय में आके खेल रहा है या स्ट्रेट ड्राइव से, मींस स्ट्रेट बैट से खेल रहा है, अब तो क्रॉस बैट, स्ट्रेट बैट, वॉट एवर जो भी है, हमें स्कोर टेबल उसपे स्कोर बोर्ड पर स्कोर लगना चाहिए, ये मेन बात रहती है जी। बिल्कुल अश्विनी जी, ये बात आपकी पूरी तरह से है कि रन कहां से आ रहे हैं ये निर्भर नहीं करता, लेकिन स्कोर बोर्ड में जुड़ रहे हैं ये सबसे बड़ी बात होती है। जिशान जी, आपको क्या लगता है कि आज का मैच किस तरह का रहेगा, लो स्कोरिंग हो सकता है या फिर हाई स्कोरिंग? और इसी के साथ जो मेरा पिछला सवाल था अश्विनी जी से कि केकेआर, वो लगातार ये कह रहे हैं कि केकेआर बड़ी संतुलित टीम है, उसमें बैटिंग भी अच्छी हो रही है, बॉलिंग में भी कुछ सुधार हुआ है, अगर फील्डिंग बढ़िया करेगी तो कहीं ना कहीं वो अपर हैंड उनको नजर आ रहा है इसमें, लेकिन आप कह रहे हैं कि एसआरएच जीतेगी। एसआरएच की बल्लेबाजी शानदार रही है लेकिन और खेमों पर वो टीम निराशा उसने कई बार दिखाई है और उसको झेलनी पड़ी इस वजह से। मैं सूर्य जी की बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि ये मैच 50-50 है, और ये जो कह रहे हैं कि बिल्कुल पहले हमारे हमारे वक्त में क्या हुआ चलता था कि टॉपी बुक स्टाइल खेला करते थे, तो मतलब खेला इनके साथ, अश्विनी जी के साथ, इनके ये तो मेरे बाप अच्छे कुलीग हैं, मेरे दोस्त हैं अच्छे, मगर ये है कि क्या बताऊं मैं आपको, क्या कहूं कि अब ये पावर का खेल, सही मैं अश्विनी जी से बिल्कुल एग्री हूँ, ये पावर का गेम हो गया है, जिसके मसल अच्छे हैं, जिनके पास बिल्कुल जैसे कहते हैं हमारे वक्त कहते थे ये दौड़ने वाला प्लेयर है, ये मारेगा बहुत मारेगा, तो ये अब ये वो खेल रह गया, अब टेक्निक वाला गेम खत्म हो गया कि भाई बॉलर है तो इसको बिल्कुल स्मेल का बॉल बिल्कुल सीधे खेलो, या आप यहाँ कोई बॉल आउटसाइड और सेक्टर में तो मारो आपने मिड विकेट से मार दिया और वो आउटसाइड लेग से तो आपने रिवर्स स्वीप मार दिया, ये अब आज की क्रिकेट ऐसी हो गई है, ये इसका मतलब 2020 में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कौन सी टीम जीतेगी। मतलब फिर मैं ये बोलूंगा कि मुझे जो फलाना पहाड़ी लग रहा है वो हैदराबाद। लेकिन जिशान जी, हैदराबाद की बॉलिंग को अगर आप देखें तो उसमें कहां पर और सुधार की जरूरत है आज के मुकाबले के हिसाब से? आज इस पूरे मुकाबले में एसआरएच की बॉलिंग थोड़ा सा कमजोर रही है, उसको और किस तरह से सुधार किया जा सकता है आज के महा मुकाबले के लिए? आज खिलाड़ियों ने फिर बोला कि एक तो एक छोटा ग्राउंड है, चेन्नई का,
छोटा ग्राउंड है और अब क्या है, गर्मी ज्यादा पड़ती है तो स्पिनर के लिए थोड़ा सा फायदा रहेगा। अब वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, जैसा कि शाम को जब 3 बजे शुरू होगा तो देखेंगे विकेट का निरीक्षण करेंगे दोनों जो कैप्टन है कि भाई क्या पहले क्या किया जाए, बैटिंग करी जाए या बॉलिंग करी जाए। मतलब ये है कि आज स्पिनरों पर डिपेंड है आज के, अगर वो फिर आखिरी में ये है कि जिसने 6 ओवर का फायदा उठा लिया वो टीम मैच को निकाल के ले जाएगी। बिल्कुल अश्विनी जी, आपने कहा कि ये जो मुकाबला है ये अग्रेशन वर्सेस पेशेंस का मुकाबला है। गौतम गंभीर की कप्तानी में जिस तरह से 2 टूर्नामेंट जीती ये टीम और अब गौतम गंभीर के साथ जुड़ने से टीम की ये टीम फाइनल मुकाबले में पहुंची है, पहले नंबर पर रहकर पहुंची है, ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं केकेआर में पॉजिटिविटी आई है, केकेआर मजबूत हुई है गौतम गंभीर के जुड़ने से। और यही कारण है कि सोशल मीडिया को आप खंगालो, लगातार ट्विटर को चेक करो तो यहां पर चीजें दिखाई पड़ रही हैं, गौतम गंभीर की तस्वीरें लगातार शेयर की जा रही हैं। आज के मुकाबले के लिए केकेआर की टीम किस तरह से तैयार होकर आएगी, प्रिपेयर किस तरह से होगी मानसिक तौर पर, चूंकि बड़े मुकाबले प्रेशर वाले होते हैं, उम्मीद की जाती है हाई स्कोरिंग की लेकिन वो मुकाबले इसी वजह से कई बार लो स्कोरिंग बन जाते हैं। रितेश जी, गौतम गंभीर खुद गंभीर है जी, वो गंभीर है तो गंभीर आदमी है, गंभीरता उनमें है। जब वो क्रिकेट खेलते थे तब भी उनकी गंभीरता नजर आती थी। और वाकई ही देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, पहले क्रिकेट होती थी वो डिफरेंट क्यों होती थी और क्या होता था, आज की तारीख में सबसे बड़ा पार्ट मैं बाकी प्लेयर्स को और मैं अपने जो नई पौध आ रही है उनको भी कहना चाहूंगा, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, जब हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं जिस टीम के साथ मैच है, ये चीज ऑस्ट्रेलिया से सीखने वाली बात है। क्या होता है गौतम जी कि सबसे पहले एक दिन पहले दो दिन पहले उस टीम के प्लेयर्स को एक एक प्लेयर्स को देखना पड़ता है टीवी में, आप उनको देखिएगा कि कौन सी बैट्समैन की कौन सी साइड स्ट्रांग है, वो ऑन साइड पे ज्यादा खेल रहा है या ऑफ साइड पे ज्यादा खेल रहा है या स्ट्रेट राइट ज्यादा खेल रहा है, उसको कहां बॉलिंग करनी है, ये बैट के बहुत गंभीरता का मामला है। मैं आपको जो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, बैट्समैन ने तो बड़ा अच्छा शॉट मारा है, हमने देखा है अक्सर कि बिल्कुल वो जो सिक्स था वो फील्डर ने कैच में बदल के उसको आउट कर दिया या सिक्स तो बचाया, अरे भाई कहां तो बैट्समैन को सिक्स मिलता और कहां वो कैच आउट हो गया। ये आप सोचो ना, बॉलर्स के लिए कितने बड़ी एक उसको टॉनिक मिल गया, एज वेल एज पूरी टीम के लिए टॉनिक हो गया। तो ये फील्डिंग और गंभीरता, मैं इसलिए गंभीरता कह रहा हूं, गंभीर इसलिए मैच को कह रहा हूं कि पेशेंस और गंभीरता बहुत चीज जरूरी है। जी, इसी से जुड़ा हुआ है, आपने जी आपने कहा एग्रेशन वर्सेस पेशेंस, और जिस तरह से पैट कमिंस ने वापसी की है इस पूरे टूर्नामेंट में, शानदार तरीके से शुरू खेला फिर बीच में थोड़ा लड़खड़ाए लेकिन आखिरी के मैचों में शानदार तरीके से पैट कमिंस ने वापसी कराई, ये एसआरएच के लिए कितना फायदेमंद है, उस कप्तान के नेतृत्व में टीम खेल रही जिसने विश्व खिताब अपने नाम किया पिछले साल, ये कितना बड़ा फैक्टर है कि एसआरएच के मद्देनजर दिमाग में कि ये जो कप्तान उसे मिला है वो बहुत शानदार है। मैं जी शान से अपने दोस्त से बिल्कुल कई जगह मेरे को उनकी बात में दम भी लग रहा और बात में दम है भी है जी, क्योंकि जो इन्होंने जो मैच में करके दिखाया है ना, पहले बैटिंग में जो उन्होंने अच्छे से अच्छे बॉलर्स की लाइन एंड लेंथ बिगाड़ के रख दी जी, यहां मैच मैं क्यों वन साइडेड नहीं हो पा रहा, उन्होंने तो एकदम वन साइडेड कह दिया लेकिन मैं वन साइडेड नहीं हो सकता। रीजन क्या है, जो हैदराबाद ने अग्रेसिव रूप दिखाया वो अच्छे से अच्छे बॉलर या अच्छे से अच्छे कप्तान उस दबाव को सह नहीं पाए, उनकी फील्डिंग उनकी बॉलिंग घबराती नजर आई। आज के मैच में मैंने क्यों कहा है पेशेंस वर्सेस अटैक का मैच है, इनका ये कितनी पेशेंस ले सकते हैं, अगर बैट्स अगर अगर बॉलर को एक ओवर में 2 सिक्स पड़ गए तो बॉलर घबरा गया तो वो हो सकता है तीसरी बॉल पे आउट कर जाए, वो हावी हो जाए, 2 सिक्स पड़ गए तो कोई बात नहीं, ये क्रिकेट है आज की तारीख, अगर 2 शॉट पड़ गए 3 शॉट भी पड़ गए चौथे पे विकेट मिल गई तो कोई महंगा नहीं है। हाँ, मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, क्या है कि मनी सेविंग इज अ मनी अर्निंग होता है ना, जो बॉलर जो फील्डर रन बचा रहा है, आज के एक बॉलर के हिस्से में 4 ओवर आ रहे हैं, 24 बॉल्स आ रही है, उसमें वो वाइड कर रहा है, नो बॉल कर रहा है तो फर्क पड़ गया ना। यहां सबसे बड़ी बात है, अगर उसको बॉलर को कोई विकेट नहीं भी मिलती लेकिन वो महंगा साबित ना हो, वो बहुत बड़ी बात है।
वो उसमें उसने अपना पूरी टीम के लिए योगदान दे दिया गया, मैं ये कहना चाहूँ। बिल्कुल अश्विनी जी, इस पूरे टूर्नामेंट में देखा कि बॉलर्स बड़ा घबराए हुए नजर आए, जिस तरह से एसआरएच के साथ साथ अन्य टीमों ने भी बल्लेबाजी की, उसने बॉलर्स के हौसलों को पस्त कर दिया। लोग लगातार इस बात को लेकर मीम्स बना रहे हैं और लगातार अपनी तरह से राय रखते हैं कि भाई बॉलर के लिए कितना मुश्किल है आईपीएल में खेलना, जहां पर इस तरह से रन पड़ रहे हैं, हर ओवर में 20 22 25 रन तक पहुंच जाते हैं, वहां बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिशान जी, केकेआर की टीम में कुछ प्लेयर्स बहुत शानदार तरीके से खेल रहे हैं, सुनील नारायण का नाम उसमें शामिल है, बॉलिंग से बहुत शानदार तरीके से बॉल कर रहे हैं, ओपनिंग कर रहे हैं तो बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। इस सुनील नारायण फैक्टर को केकेआर की टीम के नजरिए से आप कैसे पाते हैं? बहुत बहुत ज्यादा बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है इसमें, क्योंकि मैं भी ऑफ था आपके वक्त का, और ये नारायण भी अपना जी का माध्यम है तो बात को नहीं करा करते जी। तो मगर नारायण का जो इसमें है फैक्टर वो सबसे अहम है इसमें, क्योंकि वो बैटिंग लाइसेंस से करते हैं, बॉलिंग लाइसेंस से करते हैं, अगर उन्हें विकेट नहीं मिलता है, चार ओवर में अगर उन्होंने 15-16 दे दिए तो इनका इन्होंने अपना अब केकेआर के लिए उन्होंने बहुत बढ़िया इन्होंने परफॉर्मेंस दे दी है। सबसे मेन फैक्टर है नारायण, बाकी तो ये तो ऊपर के है, वो तो सारा चीज जो जैसी परफॉर्मेंस देंगे आप उस आपको वैसा ही मिलेगा, आपको फल मिलेगा। बिल्कुल अश्विनी जी, यही सवाल मेरा आपसे है कि किस तरह से आप इस पूरे खेल को देख रहे हैं सुनील नारायण की दृष्टि से? उनके पास एक शानदार ऑलराउंडर है जो बैटिंग भी बहुत अच्छा कर रहा है और बॉलिंग भी बहुत अच्छा कर रहा है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? गौतम जी, मुझे लगता है चैनल पर बैठ के आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा हो गया जी। आपने एक ऐसे शख्स पे हाथ रखा है, एक ऐसी जड़ उंगली रखी है जो जो कि एक गेम चेंजर है। सुनील नारायण बॉलिंग में, फील्डिंग में एज वेल एज बैटिंग में उसने एक वन साइडेड चीजें दिखाई है, और मैंने पहले ही मैं तभी आपको कह रह के चल रहा हूं कि ये क्रिकेट अब ऑलराउंडर्स की गेम रह गई है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर बॉलिंग में नहीं चला तो उसने अपना बैटिंग में योगदान दे दिया, जैसे हम लोग जडेजा को देखते हैं। तो मुद्दा यह है कि सुनील नारायण अपने बेस्ट बॉलिंग दे रहा है, बेस्ट बैटिंग दे रहा है, बेस्ट फील्डिंग दे रहा है। अगर ऐसे टीम में सिर्फ 3 या 4 प्लेयर हो जाए तो भाई बिल्कुल सब कुछ बदल के रख सकते हैं। यही कारण है अश्विनी जी, देखिए जो मेरा तजर्बा है इतने सब, जब मैंने एनआईएस में मैंने एडमिशन लिया तब मुझे पता चला था यार हम इतनी क्रिकेट तो खेले, सारा बैट तो पकड़ने नहीं आया। एनआईएस में पता चला जाके कि बैट भी कैसे पकड़ते हैं या रनअप क्या होता है या बॉलर्स को। बिल्कुल, और इस बीच हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़ गए, दर्शन मिड्डा जी क्रिकेट कोच और हमारे साथ ललित कोहली जी हैं जो स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं। बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे और ललित कोहली जी आपके साथ बातचीत की शुरुआत आप करेंगे। आज का जो आईपीएल 2024 का ये फाइनल मुकाबला है, आज के मुकाबले को लेकर आपका क्या कुछ अनुमान है? कौन सी टीम, आंकड़ों में भले ही कोई भारी रहा हो लेकिन मैच से पहले प्रेडिक्शन बड़ा मुश्किल है कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम भारी नजर आ रही है फिलहाल? ये सब बहुत देखने को मिले और दोनों ही टीम जीतने में सक्षम जी। यहाँ पे बात करें तो निश्चित पूरे आईपीएल में बहुत शानदार किया, लेकिन जिस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद ने अपना लास्ट अपना एलिमिनेटर राउंड का मैच जो जीता है वो अपने आप में उनकी मतलब बादशाहत को दर्शाता है कि किस तरीके का टीम कॉम्बिनेशन है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके का बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग कॉम्बिनेशन पैट कमिंस की टीम ने अभी तक दिखाया है, मुझे लगता है कि आज थोड़ा जी लीजिए आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल पहुंच रही है सर जी। ललित जी, लेकिन एक ये कहा जा रहा है कि सनराइजर्स हैदराबाद बल्लेबाजी में शानदार है लेकिन बॉलिंग में उसे कुछ और भी करने की जरूरत है जिसके जरिए वो आज का मुकाबला जीत पाए। एसआरएच की बॉलिंग को आप कैसा देखते हैं? देखिए अभी तक जितने भी मैच वो जीते हैं, अगर पिछले 2-3 मैचों में देखें लास्ट मैच का, तो उन्होंने बड़े कम टोटल को डिफेंड किया है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके की पैट कमिंस ने अपनी टीम को संभाल के और बॉलरों को जिस तरीके से रोटेट किया, और यही चीज हमने वर्ल्ड कप में भी देखा था जिस तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान को फाइनल में शिकस्त दी थी, जब हिंदुस्तान अपने प्रैक्टिस सेशन में थे, होटलों में आराम कर रहे थे, तो वो वीडियो क्लिप्स के जरिए सभी बैट्समैन की गलतियों को भांप रहे थे।
तो यही चीज आज भी आपको देखने की मिलेगी, क्योंकि पैट कमिंस एक बहुत शानदार गेंदबाज के साथ साथ एक बहुत चतुर कप्तान भी है, तभी भी उनकी टीम आज फाइनल खेल रही है। जब उनके ऊपर बिट लगाई गई थी तो मैं देख रहा था, आपने भी देखा होगा कई चैनल पे, कि कई प्लेयर हंस रहे थे। आज उन सबको उन्होंने गलत साबित करते हुए वो फाइनल खेल रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि उनका दिमाग कितना शातिर है, अपनी टीम को कितना साथ लेके चले हैं। इसको टीम वर्क और टुगेदरनेस कहते हैं, जो हमने आईपीएल में देखने को मिला। और ये जितने भी इंग्लिश प्लेयर हैं, जो भी आपको ओवरसीज प्लेयर हैं, ये लोग सब लोग दिमाग के बहुत धनी है। अभी तक आप देखिएगा जितने प्लेयर नहीं चले, मेरा एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट मानना है कि आज के फाइनल मैच में आपको एक अलग ही अंदाज पैट कमिंस की टीम का देखने को मिलेगा। एज ए एक्सपर्ट मेरा मानना है कि 51% सनराइजर्स हैदराबाद और 49% केकेआर की टीम। जी, बड़ा कम मार्जिन रखा है लेकिन आपने ललित कोहली जी, क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस दोनों टीमों का रहा वो बड़ा शानदार है। दर्शन मिड्डा जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? दर्शन मिड्डा जी, आपके आज के मुकाबले को लेकर आपका क्या अनुमान है? भाई सब लोगों की अपनी फेवरेट टीम है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन खेल के आधार पर आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम आज भारी पड़ सकती है? लेकिन स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं कि केकेआर की टीम अभी तक भारी नजर आई है एसआरएच के ऊपर। इसी टूर्नामेंट की बात करें, दो मुकाबले एसआरएच हार चुका है, दोनों के दोनों हारा है और क्वालिफायर वन में भी हारा, लेकिन उसके बावजूद भी एसआरएच को लेकर लोगों का मानना है कि वो टीम कहीं ना कहीं भारी है। फिलहाल आपका क्या कुछ है पहला कमेंट इस पूरी आज के मुकाबले को लेकर? आज के मुकाबले के अंदर एसआरएच और कोलकाता नाइट राइडर्स के अंदर मेरे हिसाब से कोलकाता नाइट राइडर्स का अपर हैंड रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि उसके पास सुरेश अय्यर, नारायण रानी जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ऐसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरे को ये लगता है कि थोड़ा सा अपर हैंड रहेगा। लेकिन ये 2020 क्रिकेट है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर बैटिंग के अंदर और बॉलिंग के अंदर नारायण रैने चलते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और उधर से पैट कमिंस बहुत अच्छा कर रहे हैं और अपना हेड और अभिषेक भी अच्छा कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि अपर हैंड थोड़ा इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स करेगा इस मैच के अंदर। जी ललित कोहली जी, आपके ऑपोजिट है दर्शन मिड्डा जी की राय, लेकिन आप ललित कोहली जी ये बताइए कि आज का मुकाबला, टॉस हर मैच में महत्वपूर्ण होता है लेकिन चूंकि आज फाइनल मुकाबला है तो टॉस और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, टॉस के बाद फैसला क्या, जिस तरह से माना जाता है गेंदबाजी जो अधिकतर लोग चूज करते हैं, या फिर आज कुछ रणनीति अलग हो सकती है जैसा आपने कहा है एसआरएच की ओर से अगर टॉस जीतते हैं तो? देखिए सर, इतिहास गवाह है कि इतने बड़े एलिमिनेटर राउंड में जब भी टीम फाइनल में पहुंचे, सेमीफाइनल हुआ है, तो टीम ने अगर टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करके जो भी स्कोर खड़ा किया है वो साइकोलॉजिकली चेस करने वाली टीम के ऊपर प्रेशर बनाता है कि आसान नहीं होता। चाहे आप 1983 का वर्ल्ड कप ले लीजिए, चाहे और भी कितने वर्ल्ड कप फाइनल हुए हैं, T20 हो गया या जितने भी है, जिस टीम ने पहले खेला उसने दूसरी टीम पे दबाव बनाया। तो मुझे लगता है जो भी टीम टॉस जीतेगी अगर वो पौने 200-200 के करीब स्कोर बनाती है तो चेस करने वाली टीम के लिए ये स्कोर चेस करना आसान नहीं होगा। साइकोलॉजिकली बहुत प्रेशर रहेगा क्योंकि फाइनल मैच है, हारते ही आप सब कुछ गवा बैठेंगे, तो टॉस तो महत्वपूर्ण रहेगा लेकिन जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करेगी तो बेनिफिट रहेगा। ललित कोहली जी, आपके इस वाली बात पर बल इस लिहाज से और मिलता है चूंकि अभी तक 200 रन का टारगेट अचीव चेस करते हुए किसी भी फाइनल मुकाबले में हासिल नहीं किया जा सका है। अगर ये मैच 200-225 तक बना देती है पहले बल्लेबाजी करते हुए कोई टीम, तो कहीं ना कहीं अपर हैंड आपको लगता है कि उस टीम के साथ निश्चित रूप से है? ललित जी देखिए, अभी तक दोनों टीमों ने, अभी दोनों पिछले दो तीन मुकाबले हुए, अपनी क्षमता के मुताबिक परफॉर्म नहीं किया, लेकिन ये दोनों टीमें फाइनल में क्वालिफाई कर चुकी हैं और फाइनल का जो मैच होता है ना जी, वो एकदम अलग ग्रुप का मैच होगा। ये इसका उदाहरण मैं इसलिए भी आपको दे सकता हूँ कि जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था, इंडिया ने 10 के 10 मैच जीते, उस दिन इंडिया का नहीं था, वो मैच हार गए, दुनिया सब कुछ भूल गई। तो आज का मैच जो दोनों टीमें जीत के आई हैं, अब तक जो उन्होंने अचीव किया है वो एक हिस्ट्री था बन के रह गया, उनको सब भूल चुके हैं। तो आज जो भी टीम जीतेगी वही सिकंदर कहलाएगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि पैट कमिंस जिस तरीके से कप्तानी कर रहे हैं, अब देखिए केकेआर में सिर्फ बात हो रही है गौतम गंभीर की और सनराइजर्स हैदराबाद में बात हो रही है पैट कमिंस की। एक तरफ तो कोच की रणनीति चल रही है और दूसरी तरफ चल रही है कप्तान की। तो मुझे लगता है कि आज कोच वर्सेस कप्तान का फाइनल है कि कौन जीतता है, कि गंभीर की टीम जीतती है या फिर पैट कमिंस की कप्तानी। और मेरा ऐसे मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ कि क्रिकेट है किसका दिन क्या होगा, लेकिन पैट कमिंस कहीं ना कहीं गौतम गंभीर के ऊपर 1% पड़ रहा भारी होता हुआ दिखाई देगा। बड़ी शानदार बात कही है आपने ललित जी की, कोच वर्सेस कप्तान के बीच ये मुकाबला कहीं ना कहीं बना नजर आ रहा है
और इस बीच अश्विनी सूद साहब भी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। मैं आऊंगा आपके पास अश्विनी जी, बड़ी दिलचस्प बात कही ललित जी ने, लेकिन दर्शन मिड्डा जी आपका ये जो लगातार ये कहा जा रहा है कि एक टीम बहुत एग्रेसिव है, जिस तरह से गौतम गंभीर का जिक्र किया, कोच वर्सेस कप्तान का मुकाबला एक तरह से बन गया है। पैट कमिंस की बात की जाए, पैट कमिंस ने हाल ही में जिस तरह से खेल किया है और लगातार दिमाग से बहुत ज्यादा शातिर हैं, चतुर तरीके से सारी रणनीति तैयार करते हैं और उसका नतीजा 2023 के वर्ल्ड कप में भी हम सभी ने देखा है, और जिस तरह से पिछले कुछ मुकाबलों में एसआरएच ने वापसी की है उससे कॉन्फिडेंस और बढ़ा ही होगा, पैट कमिंस की रणनीति आज क्या रह सकती है? पैट कमिंस की रणनीति ये रहेगी कैसे ना कैसे मैच को जीता जाए, बहुत ही शातिर दिमाग है, क्योंकि इस बार वो वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं, एसीसी भी जीत चुके हैं, वो बहुत ही चालाक क्रिकेटर है, कैसे ना कैसे मैच को जीता जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो नारायण है वो बहुत अच्छी बैटिंग और बॉलिंग ऑलराउंडर है, और उनके पास श्रेयस अय्यर जैसे बैट्समैन है, और उनकी बॉलिंग और बैटिंग वेंकटेश और सुनील नारायण दसेल ये अच्छे ऑलराउंडर हैं, तो मेरे को तो लगता है थोड़ा बहुत अपर एंड रहेगा। पैट कमिंस भी कोशिश करेंगे, नेक टू नेक रहेगा यह मैच, अगर जो कोई भी टीम अगर 200 रन से ज्यादा बनाती है शुरू में तो उसका अपर एंड रहेगा। बिल्कुल अश्विनी जी, ललित जी का कहना है कि ये कोच वर्सेस कप्तान का मुकाबला है, आपने एक टर्म दिया कि ये मैच कहीं ना कहीं अग्रेशन वर्सेस पेशेंस का मुकाबला है, जिस तरह से पैट कमिंस धैर्य रखकर शांति से ज्यादा शोर मचाए बिना मैच को जीत रहे हैं, दूसरी तरफ गौतम गंभीर है, उनका चित परिचित अंदाज है, और जो ये कहा गया कि जिस तरह से पैट कमिंस शानदार तरीके से मैच कर रहे हैं और लगातार परफॉर्मेंस के बल पर लोगों का दिल वो जीतते नजर आ रहे हैं, यानी कोच वर्सेस कप्तान, इसमें आप किसे भारी मानते हैं? दोनों जिसको कहते हैं ना बड़ी जबरदस्त कप्तान जी, सहमत हूं। अश्विनी जी, क्या अब तक आवाज जी अश्विनी जी की आवाज ठीक तरीके से नहीं, अश्विनी जी प्लीज एक बार बोलिए, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं है। जी सर, बात को रखें, मेरे ख्याल आप ठीक आ रही है क्या? जी आप ज्यादा अच्छे हैं अश्विन जी, आपकी आवाज आ रही है सर, बात रखिए। ओके ओके, अभी मैं दो मिनट पहले ले ही आपको कह के रखा हूँ, क्योंकि ललित जी ने मेरी बात पे स्टैंप लगाई है। क्या है, जो ऑस्ट्रेलियन या जो प्लेयर है ये मैच से पहले एक दिन पहले दो दिन पहले एक स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, वो एक एक प्लेयर को देखते हैं कि कौन सा बैट्समैन कौन सा बॉलर कहाँ स्ट्रॉन्ग है, कहाँ उसको कहाँ उसकी दुखती रग है, कहाँ उसको कहाँ दबाना है, कहाँ उसको रोकना है, कौन सा एरिया में स्ट्रॉन्ग बैठता है, इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी तैयार करनी चाहिए, किस ढंग से फील्डिंग लगानी चाहिए। देखिए कप्तान का बहुत बड़ा पार्ट होता है एक मैच के रणनीति बनाने में एज वेल एज कोच के, बात बिल्कुल ठीक है, आज कोच वर्सेस प्लेयर का भी मैच है, लेकिन कोच तो बाहर बैठा है, अंदर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा वो बैट्समैन या उसकी टीम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कॉम्बिनेशन कंट्रास्ट वो दोनों तीनों चीजें किस ढंग से प्लेयर में डाली जाती है वो देखने वाली बात है। कोच एक राय दे सकता है, एक सजेशन दे सकता है, लेकिन लेकिन जो कप्तान है उसका भी अंदर अपना दिमाग चलता है कि कौन से बॉलर को किस टाइम लगाना है, स्ट्रेटेजी ये चीज तीनों में फिर एक ही बार कहूंगा क्या प्लानिंग करनी है, कि कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है, वो बड़ा पार्ट अदा करेगा। बिल्कुल अश्विनी सूद साहब, अब समय चूंकि पूरा होता नजर आ रहा है, और एक आखिरी टिप्पणी आप तीनों ही मेहमानों से, कोहली जी आपके साथ शुरू करेंगे, आपने तो हालांकि साफ कर दिया है कि एसआरएच का पलड़ा भारी है, केकेआर कम है, लेकिन एक आखिरी कमेंट आज के फाइनल मैच को लेकर। क्योंकि फाइनल मुकाबला दोनों टीमें इतना संघर्ष करके पहुंची है, इसलिए मैंने 1% का मार्जिन रखे कि 51 सनराइजर्स हैदराबाद और 49 केकेआर। बिल्कुल कम 1% का मार्जिन दिया है ललित कोहली जी ने। दर्शन मिड्डा जी, आज के मुकाबले को लेकर फाइनल कमेंट आपके। आज के मैच में मेरे को लगता है कि केकेआर का थोड़ा अपर हैंड रहेगा जी, के कारण जो इनके है अश्विनी जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पाई, एक बार फिर प्लीज आप। हेलो जी, हेलो जी, आप बोलिए सर। देखिए मैं इन दोनों के, मैं मिट्टा जी और ललित जी के बीच की बात कर रहा हूं, केकेआर की बात कर रहे हैं,
और मैं ये मेरा जो दोनों की तरफ से 50-50 है, मैं बीच में। बिल्कुल, बड़ा बढ़िया जवाब दिया आपने, ना इधर ना उधर, आप बीच में। चलिए बहुत बढ़िया, अश्विनी सूद साहब और ललित कोहली जी, साथ ही साथ दर्शन मिड्डा जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने और बातचीत करने के लिए। बहरहाल शाम 7:30 बजे मुकाबले की शुरुआत होगी। कलकत्ता नाइट राइडर्स 2 बार खिताब जीत चुकी है, सनराइजर्स हैदराबाद के पास 1 बार ट्रॉफी है। अब क्या हैदराबाद दूसरी बार खिताब जीतेगी या फिर कलकत्ता नाइट राइडर्स तीसरी बार खिताब जीतने जा रही है, बहरहाल इसका फैसला आज शाम को हो जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए जनता टीवी।